नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक, कब तक, आखिर कब तक यूं ही सपना टूटता रहेगा? कब तक दुनिया की नंबर वन टीम के चाहने वालों का दिल टूटता रहेगा? कहने को इस एक साल में अलग अलग फॉर्मेट में बीसीसीआई ने 7 कप्तान बना दिए, लेकिन जिन मोर्चों पर बदलाव करना था वहां नहीं हुआ। नतीजा सामने है और 15 साल का इंतजार फिर इंतजार ही रह गया। हार के बाद हाहाकार, सवाल हर बार, लेकिन क्या जवाब कभी मिलेंगे? आज हल्ला बोल, आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं अपने खास मेहमानों से। पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए। सब कुछ मनमर्जी से ही होगा तो दिल को तोड़ने वाली ऐसी ही तस्वीरें बार बार सामने आएंगी, तस्वीरें हार की। तस्वीरें मायूसी की, तस्वीरें नाराजगी। 43 डॉट बोलने के लिए ऊपर के राहुल और रोहित ने। जब असली मैच आया, आपका सामने आ गया आपका असली अक्षर पटेल और आर अश्विन को खिलाया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जैसे राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रैक्टिस मैच में बैटिंग की थी, पूरे वर्ल्ड कप राहुल 8 साल से T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का सपना संजोया जा रहा था, 9 साल से ICC ट्रॉफी जीतने का सपना संजोया जा रहा था, 15 साल से फिर T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना संजोया जा रहा था, लेकिन इंतजार इंतजार ही रह जाता है, बावजूद इसके कि खिलाड़ियों को सुविधाओं के नाम पर वो सब कुछ मिलता है जो उन्हें चाहिए होता है, वो सब कुछ जो क्रिकेट की दुनिया की कई टीमों के लिए आज भी सपनों सा रेखा है। कहने को भारत ने वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद IPL इजाद किया ताकि T20 फॉर्मेट में वो शिखर पर बना रहे, लेकिन उसके बाद से टीम इंडिया कभी चैंपियन ही नहीं बन पाई। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आखिर टीम इंडिया T20 फॉर्मेट में 15 साल से चैंपियन क्यों नहीं बन पाई? इस स्पेशल शो में हम ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मसलन ये कि क्या टीम इंडिया में सभी खिलाड़ी T20 माइंडसेट वाले नहीं है? क्या बाकी टीमों के मुकाबले टीम इंडिया के खिलाड़ी इस फॉर्मेट के लिहाज से उम्र दराज है? क्या वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर कप्तानी और टीम में बार बार फेरबदल से नुकसान हो रहा है? क्या अहम टूर्नामेंट में मनमर्जी से प्रैक्टिस करने के फैसले से प्रदर्शन में गिरावट आ रही है? क्या सिलेक्शन कमेटी अलग अलग टूर्नामेंट और अलग अलग फॉर्मेट में खिलाड़ियों के चयन को लेकर असमंजस में रहती है? अगर ऐसा है तो नतीजा कैसे बदलेगा? हार मिलेगी, हाहाकार मचेगा, सवाल उठेंगे और टीम के चीफ कोच आकर मायूसी में लिपटे ऐसे ही जवाब देंगे। लगे हाथों आपको ये भी बताते चलें कि टीम इंडिया ICC की T20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर वन टीम है, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि बादशाह छीनते कितनी देर लगती है। आज तक ब्यूरो। बहुत से लोग कहेंगे कि खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, पर कब तक आखिर हार जीत होती है? अगर आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलते हैं, अगर आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जाते हैं, तो इन सवालों के जवाब आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दो ही चरण हो सकते हैं, अव्वल ये कि आप जानते हैं कि नहीं दिक्कत क्या है, यानी मर्ज क्या है, और दूसरा, अगर मर्ज आपको मालूम है तो सही दवा का इस्तेमाल किया जाए। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। 1983 की चैंपियन टीम के सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ मदन लाल जी स्टूडियो में हैं, कीर्ति आजाद हमारे साथ हैं, लालचंद राजपूत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद राजपूत का की प्रासंगिकता यहां पर इस हिसाब से समझिए कि 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में जब हमने सबसे बुरा दौर देखा, तो 2007 के T20 वर्ल्ड कप से लेकर और उसके बाद जो हमारा 2007-08 का दौरा था, वहां तक उंगली पकड़कर लालचंद राजपूत छोड़कर आए थे टीम इंडिया को। किस तरीके से बदली थी टीम इंडिया, ये सबने देखा था। तो खिलाड़ी होते हैं, टीम मैनेजमेंट होता है, BCCI होता है और जिम्मेदारी सबकी होती है। केवल खेल है, हार जीत होती रहती है नहीं कहा जा सकता। कीर्ति जी, क्या आप सहमत रहेंगे इस बात से? अवश्य, पूरी तरह से सहमत हूँ, हार जीत तो होती है। लेकिन मैं जिस समय हम लोग खेला करते थे और जो आज का समय है, उसमें काफी अंतर है। खेल तो वही है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन आ गई है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। हम जब खेलते थे तो 14 या 15
खिलाड़ी होते थे, एक मैनेजर हुआ करता था। अगर दूसरी टीम के खिलाफ हमें कोई रणनीति बनानी है तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स खेले हुए हैं उनके दिमाग में क्या क्या उनकी मेमोरी रही है उसके मुताबिक चलता था। आज में टेक्नोलॉजी आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर एक खिलाड़ी की कमजोरी और उसकी मजबूती मालूम होती है। आप जब कभी भी स्टार स्पोर्ट्स पर देखें तो बताते हैं यहां पर बाउंसर मारो रोहित शर्मा को तो इतनी बार आउट हो गए, यहां पर सीधी आती है तो वो छक्का उड़ा देते हैं, फलाना बॉलर है वो आगे रखते हैं अच्छी स्विंग करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हमें उस समय मेमोरी करनी पड़ती थी। आज जितने टोटल प्लेयर्स हैं उतने ही सपोर्ट स्टाफ है। आपके पास एक मेन कोच है, एक बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, आपके पास वीडियो एनालिस्ट है, आपके पास अलग अलग जो भी चीजें चाहिए होती हैं एक प्लेयर को सपोर्ट के लिए वो सारा कुछ है। मुझे सिर्फ केवल इससे पहले कि मैं अपनी सकारात्मक आलोचना करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने खेलते समय में भी हम लोगों ने गलतियां की थी लेकिन वो मेमोरी से हुआ करती थी। मेरा तो सिर्फ प्रश्न ये है कि हम जब गए थे यहां से उसी समय हमें मालूम था कि हमारी गेंदबाजी कमजोर है, और दूसरी बात क्या रही कि हमें कभी भी इस पूरे सीरीज में ओपनिंग स्टैंड नहीं मिला। विकेट गिरती थी, विराट कोहली जो स्ट्रोक प्लेयर है वो एंकर में आ जाता था क्योंकि दूसरा ही विकेट गिरता था, सूर्य कुमार मारने वाला है, दोनों तरफ से हिटिंग नहीं हो सकती थी इसलिए वो एंकर के रोल में आ जाता था। केवल आप मैच अगर देखेंगे इंग्लैंड के विरुद्ध तो लास्ट 5 ओवरों में हार्दिक पांड्या ने वो 17 बॉलों के अंदर 50 रन बनाए, अन्यथा हम शुरू से लेकर 10वें ओवर तक में हमारा स्कोर 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है। जो पहले 6 ओवरों में हमें अटैक करके बॉलर्स को खत्म कर देना चाहिए वो इस मैच में नहीं हुआ। दूसरी बात कि रशीद और लिविंगस्टोन दोनों स्पिनर हैं और हमारे अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं स्पिन के लिए, उनके 7 ओवरों में केवल 41 रन गए हैं। यह सब के कारण क्या है, इस कारण का विश्लेषण आगे जैसे कार्यक्रम चलेगा उस पर करेंगे, लेकिन जो मेरी समझ से है कि आज की इस तैयारी मतलब आज की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है उसमें केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड हरदम रिस्ट स्पिनर के खिलाफ थोड़ा कमजोर रहा है। वो आप इतिहास से उठा लेंगे, शेन वॉन से उठा लेंगे, कुंबले को उठा लेंगे, इन सबों को लेंगे, यहां तक कि चंद्रशेखर ने 6 विकेट निकाल दिए थे ओवल के अंदर जब हम पहला टेस्ट जीते थे, उस सीरीज वहां से जीत के आए थे, शायद मदीपा उसकी सीरीज के वो थे। इस मैच में यजुवेंद्र चहल को खेलना चाहिए था। हर एक टीम के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है लेकिन यहां पर ऐसे लगा कि पूरी टीम की हर टीम के लिए एक ही स्ट्रैटेजी थी। उनसे जब पूछा गया कि चहल को क्यों नहीं खिला रहे तो उन्होंने कहा कि दे डोंट फिट इन टू आर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो भाई लेके क्यों गए थे, उनको पर्यटन कराने ले गए थे क्या? तो ये सारी चीजें हैं, जब आगे बात चलेगी तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जी, सुनील गावस्कर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी भाई, इंडियन टीम का सिर्फ एक मैच के परफॉर्मेंस की बात नहीं है, अगर हम पूरे टूर्नामेंट को भी ले लें और पूरे टूर्नामेंट को लेकर भी नाराजगी नहीं है। लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2013 में आखिरी आईसीसी ट्रॉफी आपने जीती, जब चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता था, उसके बाद से क्या हो गया, क्या हम भूल गए हैं जीतना, क्या आईपीएल को जन्म देने वाला देश T20 में महारत ही नहीं हासिल कर सकता है? देखिए, अगर हम क्रिकेट के अलावा फुटबॉल की भी बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग भी सबसे दुनिया में मशहूर लीग है और सब मतलब वहां के परदेश के प्लेयर, सिर्फ इंग्लैंड के प्लेयर नहीं, ओवरसीज प्लेयर्स भी आके वहां पे खेलते हैं। पर इंग्लैंड ने कभी वर्ल्ड कप जीता नहीं है 1966 के बाद। तो हमारे आईपीएल के साथ भी वैसा ही हो रहा है कि हम बहुत सारी मैचेस खेलते हैं, इंग्लैंड के प्रीमियर लीग में भी तो बहुत सारी मैचेस होती है, तो हमारी टीम जो होती है, देखिए आईपीएल का स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। फर्क है कि जो एक मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया के अगर हम गेंदबाज ले, हेजलवुड, स्टार्क और अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए खेलते, पर जब ऑस्ट्रेलिया के खेलने साथ खेलने आते हैं तो दोनों जब खेलते हैं तो बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें खड़ी होती है। तो आईपीएल खेलने से एक्सपीरियंस तो जरूर मिलता है, पर इससे यह नहीं कि आईपीएल खेल रहे इसलिए टूर्नामेंट जीतना जरूरी है। हमारी गलतियां ये हो रही है कि हमने जो टेम्पलेट अभी इस टाइम जो इस्तेमाल किया था कि यहां पर हम सोच रहे थे कि पहले 6 ओवर में कुछ भी हो हम बल्ला घुमाएंगे और बल्ला घुमा के हम जितने रन करने वो करेंगे, 3 विकेट गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी बातें हमें सुनाई नहीं जाती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
अरे तुम्हारे 3 विकेट गई 30 में, अगर 6 ओवर में, तो कोई बात नहीं, कैसी बात हो सकती है? यही तो एक प्रॉब्लम है। अगर आपने इंग्लैंड की जो अटैक इंग्लैंड की बैटिंग देखी, उन्होंने भी बहुत सारे शॉट खेले, सारे अलोंग द ग्राउंड बीच में खेले, जब कोई ऊपर से मारना था तो सोच समझ कर, मैं बल्ला घुमाया नहीं ऐसे भाई, बल्ला घुमाया नहीं। और इसीलिए तो हमारी टीम जो पहले 1-2 6 ओवर में एक आधी विकेट जाती थी, उससे फिर बाकी के लोग जो आने वाले थे नंबर 3 पर नंबर 4 पर, उनको मतलब बिल्डिंग ब्लॉक बनना था, तो बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में ओवरेज आ रही थी। तो यही एक प्रॉब्लम थी कि हमें कभी भी इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत नहीं मिली। ओपनर्स ने हमें शुरू शुरू में हमें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया। ये बहुत सारी वजह है मदन जी, मतलब अगर हम पावर प्ले की बात कर लेते हैं, उसको कॉम्पेंसेट हमेशा आप डेथ ओवर्स में नहीं कर सकते हैं जाके, ये सारी चीजें। लेकिन वही चीज मैं कह रही हूँ कि अब ये अनफेयर क्रिटिसिज्म या फेयर क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, अब बात है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। यानी कीर्ति जी ने भी जो कहा कि सकारात्मक अगर मुझे आलोचना करनी है तो उसका सीधा मतलब होता है वो जो बदलाव किए जाएं। सकारात्मक आलोचना का ही समय है, पर उस आलोचना को सुनना पड़ेगा सबको। अब बिल्कुल सुनना पड़ेगा। देखिए आलोचना स्पोर्ट्स में होती ही होती है, पर जैसे आपने वर्ड यूज किया कि ये सारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है, दे आर आंसरेबल। ये जो हमने शुरुआत जैसे आपने की थी, देखिए हमने, हमारी टीम अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है कि हमारी टीम अच्छी नहीं थी, पर हमने गलतियां बहुत की है। एक तो कैप्टन और कोच की इतनी रिजिड अप्रोच कि नहीं हम यही करेंगे। देखिए आप, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने आपने युवेंद्र चहल को सारा साल दो यहाँ पे बिल्कुल खिलाया, अब सडनली रवि शास्त्री और विराट कोहली ने अश्विन को बिल्कुल नहीं खिलाया 2020 क्रिकेट, और उसके बाद आपकी रिजिड अप्रोच, आपने कंडीशन रीड नहीं अच्छी की। हम आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं जो अश्विन का जो बॉल सीधा ही जाता है, इवन अक्षर पटेल, इंडिया में बॉलिंग करना अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करना बिल्कुल अलग बात है, गेंद उसने टर्न ही नहीं हुआ। और उसके बाद जो हमारी एक अप्रोच, केएल राहुल बहुत अच्छा खिलाड़ी, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमने कोई दूसरा कोई विकल्प देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ हम अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ऋषभ पंत को ऊपर भेज के ट्राई कर लेते, उसने 6-7 मैचों में एक बार 50 बनाया सिर्फ। तो आपको थोड़े बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारी कैप्टन और कोच जो है इनकी थोड़ी सी जो प्रदर्शन कह लीजिए या क्या कह लीजिए इनको, वो थोड़ा सा बिल्कुल जवाबदेही तो तय होनी है, जवाबदेही तो तय होनी है, बस जवाबदेही को किसको देगा कोई। हाँ। जवाबदेही, मैंने कल भी आपसे कहा था कि जवाबदेही हमारे 2-3 ऐसे बड़े खिलाड़ी जैसे सुनील हुआ या कपिल हुआ या सचिन तेंदुलकर हुआ, इनको 1-3 बंदों की ऐसे करें जो आके बैठ के उनसे जवाबदेही करें और उसके बाद बताएं भी हाँ ये गलती हुआ, हो सकता है कि कोई सोल्यूशन निकल आए। अगर आपने ऐसे ही चलना है और ऐसे जाके फिर अगर स्टार्ट करना है तो फिर रिजल्ट तो ऐसे ही होंगे। और युवेंद्र चहल को आपने बिल्कुल ही नहीं खिलाया और इसके बाद ना ही आपने ऊपर ट्राई किया किसी को। बाकी मदन जी एक बात तो जो आपने कही उसको हम आगे, इसको हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विराट और रवि शास्त्री अगर अश्विन को बिल्कुल भी टीम में नहीं यूज कर रहे थे और द्रविड़ और रोहित के लिए अचानक वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, तो हम ये भी पूरी सूची अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि हमारे पास इस समय इंडियन क्रिकेट टीम के कितने कैप्टन हैं, क्योंकि एक कैप्टन की ही टीम होती है, वो उसे गढ़ता है, वो सोच उसके साथ रहती है। लेकिन पहले लालचंद राजपूत जी आप बताइए कि 2007 के बाद जैसा हाल फिलहाल में लोगों ने जैसा गुस्सा देखा था क्रिकेटरों के खिलाफ और क्रिकेट टीम के खिलाफ, जब हम वर्ल्ड कप में नॉकआउट दौर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वो सबने देखा था, और उसके बाद जो बदलाव हुए थे वो भी देखने में आए थे। आप उस ट्रांजिशन फेज का हिस्सा थे, क्या किया गया था उस समय, क्या बदला गया था कि अचानक हमारी टीम ने जीतना भी शुरू किया था? सी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा श्वेता जी कि जब हम साउथ अफ्रीका गए थे, हमारे पास या कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया था हमारी टीम की, क्योंकि हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं होते 50 ओवर में, हमारा क्रिकेट इतना लो हो गया था, और 2007 का जो फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप का किसी को पता नहीं था कि इसमें क्या होता है। नो, हमें एक मैच खाली हम खेले थे उसके पहले, तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो हम लोग ने जो मेन थिंग मैंने जो किया, मैंने कहा कि हमें देखो T20 एक फॉर्मेट है जो आपको एक्सप्रेस करना है, आप बिंदास से एक्सप्रेस करिए, देर इज नो अदर दिस थिंग कि आपको कोई जल्दी आउट हो तो कोई बोलेगा, कुछ नहीं, आप एक्सप्रेस करना, ये फॉर्मेट आपको एक्सप्रेस करने के लिए है। और मुझे लगता है कि पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
और आपने देखा कि जो सिक्स ओवर इंपॉर्टेंट है हमने सिक्स ओवर में ठीक नहीं किया। सी इसमें हम एज कोचेस हम लोग तीन भाग में देखते हैं, पहले पावर प्ले 1-6, 7-15 और 15-20 ओवर्स। तो ये तीन नो जैसे हम लोग बॉक्सेस कहते हैं, ये तीन बॉक्सेस और प्लस तीन बॉक्सेस दूसरी टीम को, छह बॉक्सेस में आपको चार बॉक्सेस टिक करना है। अगर आप चार बॉक्सेस नहीं करते हैं तो फिर धन मुश्किलें आती हैं। और सभी लोग यही बातें करते हैं कि हमने पावर प्ले में अच्छी नहीं किया। आप पूरा टूर्नामेंट में देखो, हमारा फर्स्ट पावर प्ले में हम लोग 35-40 रन मैक्सिमम किए हैं। तो दैट शोज दैट कहीं ना कहीं हम लोग पावर प्ले यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अच्छी तरह से। देखो सेमीफाइनल में हार्दिक पंड्या की जो बैटिंग की लास्ट तीन ओवर में, उसके वजह से हमने 168 तक पहुंचे, नहीं तो हम लोग 145-150 मैक्सिमम पहुंचते। दैट मीन्स हम पहले पावर प्ले भी ठीक नहीं करते, फिर मिडिल ओवर भी ठीक नहीं करते, और फिर हार्दिक पंड्या या सूर्य कुमार यादव काफी मैचेस में हमको अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए हम लोग अच्छे स्कोर पहुंचते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हमारा जो अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पावर प्ले में हमें 50-60 रन करना ही है, भले हम विकेट खोएंगे लेकिन आपको एक्सप्रेस करने को आना चाहिए और वो लाइसेंस आपको बैट्समैन को देना चाहिए। अगर बैट्समैन नहीं कर रहे तो देन यू हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस, बिकॉज आप पांच मैच ऐसे नहीं कर सकते कि बैट्समैन फेल होते जाए। सेम थिंग विद बॉलिंग, हमने काफी लास्ट छह महीने में हमने इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए, ये टीम के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जब वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं आपकी टीम छह महीने पहले से तय होनी चाहिए कि ये मेरे ओपनर्स है, ये मेरे मिडिल ऑर्डर्स है, ये मेरे डेथ ओवर बॉलर्स है, ये मेरे फास्ट बॉलर्स है और ये स्पिनर्स है। हम वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के पहले भी हम बॉलर्स को ट्राई कर रहे हैं कि ये नहीं फिट होगा, फास्ट बॉलर्स ये इंजर्ड है, इसकी जगह पे ये नहीं खेलेगा, तो दैट मीन्स वी वर नॉट श्योर अबाउट आवर बॉलिंग ऑल्सो। सो When a World Cup is there, I think मुझे लगता है कि आपको छह महीने पहले से आपका टीम का पूरा कॉम्बिनेशन रेडी होना चाहिए और उसके बाद बैकअप भी रेडी होना चाहिए कि सपोज ये फेल हो गए तो ये। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इसमें थोड़े से फेल हो गए क्योंकि हमने बरोबर से तैयारी नहीं की वर्ल्ड कप के जाने के लिए। और सेकेंडली हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलियन पिचेस, ऑस्ट्रेलियन जहां वहां पे स्पिनर्स कौन से चलते हैं, कौन से स्पिनर्स इफेक्टिव होते हैं, आई थिंक ये सब बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए था। नहीं वाकई, और इन सारी चीजों के लिए तो देखिए प्रिपरेशन के लिए इंडियन टीम वहां पर पहले पहुंची थी, ये बात भी सही है। खिलाड़ियों को केवल क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस सोच को भी उसके पीछे की जो है उसे क्रिटिसाइज करना होगा, क्योंकि जो कीर्ति आजाद भी कह रहे थे कि उसके पीछे जो आपका पूरा अमली जामा है, जो आपका एक साइकोलॉजिस्ट रहता है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट रहता है, आपके न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं, ये सब टीम के साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं। एक आलोचना इस बात को लेकर शुरू हुई कि क्या भारतीय टीम ओवर एज है, लेकिन यह आंकड़ा भी हमने निकाला है कि भारतीय टीम की औसत उम्र 30.6 साल है पर इंग्लैंड 30.7 साल, यानी 30 साल 7 महीने। पाकिस्तान की टीम सबसे कम उम्र की दिखती है 26.6, लेकिन मुझे लगता है चर्चा में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उनका तो अपना सेमीफाइनल तक पहुंचना भी तय नहीं था और वो किस हालात में चल रही है वो क्रिकेट, वो एक अलग चीज है। न्यूजीलैंड की भी 29.6 है, इसलिए इस आर्ग्यूमेंट की तो बात नहीं होती है कीर्ति आजाद जी, लेकिन ये जो पीछे की जो पूरी सोच है, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं सो टू से, क्योंकि कैप्टन हमारे बदलते जा रहे हैं, हमारे कैप्टन, ये भी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा हम बताते हैं, विराट कोहली टेस्ट में कप्तान, केएल राहुल ओडीआईज में, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ था तो रोहित शर्मा तो अभी कप्तान है, ऋषभ पंत इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जब T20s हुए थे, जसप्रीत बुमराह जब भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मुकाबला चल रहा था, हार्दिक पांड्या जब इंडिया और आयरलैंड का T20s हुआ था, शिखर धवन जब भारत और वेस्ट इंडीज के ODIs हुए थे, और अब हार्दिक पांड्या वापस जब खेलने जाना है न्यूजीलैंड। कीर्ति आजाद जी, कैसे बनेगी टीम ऐसे? नहीं, मैं इस चीज से कतई वो नहीं करता कि अलग अलग फॉर्मेट के अलग कप्तान नहीं हो सकते, लेकिन इतने सारे हो जाएंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगी, समझ नहीं आएगा कप्तान कौन है। सात कप्तान टीम के अंदर अलग अलग हैं जो टीम के अंदर खेल रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। दूसरी बात आपने उम्र की, मुझे लगता है कि यदि विराट कोहली से ये जितने लोग खेल रहे हैं सबकी फिजिकल फिटनेस करा दे तो शायद सबसे फिट आदमी वही निकलेगा। आज भी देख लीजिए, दो दो रन ऐसे तेज भागता है जिसका कि कोई वो नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, आप इतना क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल हमारे देश में होती है, अभी न्यूजीलैंड जाएंगे फिर आईपीएल होगा, आजकल तो यह है कि साल में दो बार आईपीएल होना है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर
जब सारी टीमें हमारी जो 10 आईपीएल की टीम्स हैं उसमें विदेशी कोच हैं, उसके अंदर चार तरह के कोच है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कोच है और एक टीम का कोच है, वीडियो एनालिस्ट है, सबको ये, और मोस्टली हमारे देश के लोग खिलाड़ी खेल रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि सामने वाली टीम की किस प्रकार की क्या कमजोरियां हैं? वह हमारी पकड़ ले रहे हैं लेकिन हम नहीं पकड़ पा रहे। अब आपको एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं, कल के मैच की मिसाल देता हूं। सबको मालूम है कि हेल्स और बटलर दोनों सीधा अच्छा मारते हैं बॉलर के सिर के ऊपर से। ये शायद भुवी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को भी मतलब कि विचलित कर गया, और उनकी आप देखिए 3 जो चौके खाए हैं वो लाइन में बिल्कुल गेंद नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे थे, छोटी डाली, कट खाए तीनों। उनके दिमाग में यह था कि कहीं वो मेरे सिर के ऊपर से ना मार दे। लेकिन भुवनेश्वर जो इतने बढ़िया गेंद को स्विंग कराते हैं, उनके चांस भी थी। हमने अर्शदीप को देखा था कि जैसे जैसे उसने स्विंग कराया तो उसने जैसे डिकॉक को स्लिप में कैच आउट कराया था, इंग्लैंड पाकिस्तान के बल्लेबाज लेग बिफोर स्विंग के कारण से हुए थे। जैसे ही पहले ओवर में 3 चौके उधर पड़े, इधर अर्शदीप को 2 पड़े, दोनों की स्विंग होनी, गेंद बंद हो गई। अरे रन पड़े हैं कोई बात नहीं, आपके पास 168 रन है, आपके शुरू में 13 और 7 20 रन चले भी गए 21 रन 2 ओवर में, तो कोई बात नहीं, विकेट लेने का तो चांस लो। लेकिन उनके अनुभव को भी किस प्रकार से आगे करना है वो कोई बताने वाला वहां पर नहीं था, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई क्लब साइड के साथ किसी का चैरिटी मैच चल रहा हो। हमारे पहले 6 ओवर के अंदर कोई अच्छी शुरुआत हमें मिली नहीं। दोनों बैट्समैन जिन्होंने 50 किए, रोहित ने किया तो वो नीदरलैंड्स के खिलाफ किया, उधर उसने जिम्बाब्वे और शायद बांग्लादेश के खिलाफ में किया। जो हमें एक सॉलिड स्टार्ट चाहिए थी वो सॉलिड स्टार्ट नहीं मिली। ऐसे में मैंने टूर से पहले जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने ये कहा था कि रोहित के साथ हमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करना चाहिए ऋषभ पंत का। पंत के पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का बहुत अनुभव था और उसने रन भी बनाए। उस सीरीज में जब भारतीय टीम बुरी तरीके से अपमानित हुई थी, 36 ऑल आउट हो गए थे, उसके बाद वापस आना, 2-1 से सीरीज जीतना, तो उस आदमी को अनुभव था वहां ऑस्ट्रेलिया में। चौथा, चहल को नहीं खिलाना, क्योंकि रिस्ट स्पिनर के खिलाफ हमने हरदम देखा है कि इंग्लैंड को तकलीफ होती है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी होते हुए, जानते हुए, इनके विरुद्ध इतने सालों से खेलते हुए, आईपीएल में इन खिलाड़ियों के विरुद्ध और साथ में खेलते हुए, हम क्यों इस तरीके से नहीं पकड़ पाए, यह पूछना आवश्यक है मैनेजमेंट से कि क्यों आपसे ये चूक हुई। क्या सब टीमों के लिए आपके पास एक ही योजना थी? क्या हर एक टीम के लिए हर एक योजना थी? हॉर्सेस फॉर कोर्सेस थे कि नहीं थे, यह जानना आवश्यक है। सनी भाई, आगे क्या? बड़ी कड़क व्यवस्था चलती थी एक समय पर बीसीसीआई की कि मैनेजर रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट पर एक्शन होगा। अब समझ नहीं आता वाकई ऐसा होता है कि नहीं। दो नजरिए हैं, या तो हम ये सोचकर संतुष्ट हो जाएं कि अरे T20 इंटरनेशनल्स में इंडिया तो नंबर 1 टीम है दुनिया की, लेकिन फिर ये क्यों नहीं कि हमारे भी अलमारी में वो ट्रॉफीज चमके, कभी तो चमके। देखिए, अगर हम पीछे जाए तो 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था तो टीम के साथ सिर्फ एक ही मैनेजर थे, मान सिंह। उसके बाद में 85 में भी जो टीम जीती वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट, उसके साथ इरापल्ली प्रसन्ना मैनेजर थे। और उसके बाद में 2011 में भी जब टीम जीती थी तो इतने सारे लोग नहीं थे, मतलब जो सपोर्ट स्टाफ हम कहते हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि सपोर्ट स्टाफ टीम से भी ज्यादा नंबर है। तो इसमें कभी कभी ये भी होने की संभावना है कि जो प्लेयर्स है वो कंफ्यूज होते हैं कि मैं किसकी सुनूं। यहां से एक कोई कहता होगा, वहां से एक कोई कहता होगा। और मुझे दूसरी एक बात समझ में नहीं आती कि जब आपके पास राहुल द्रविड़ जैसे दुनिया के महान बल्लेबाज है तो आपको और एक बैटिंग कोच की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर राहुल द्रविड़ एक कुछ कह रहे हैं, विक्रम राठौर कुछ एक कह रहे हैं, तो फिर बल्लेबाज तो कंफ्यूज होगा। तो ये जो चल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मतलब वहां पे भी एक आपको देखना होगा कि क्या हमें इतने लोगों की सही माने जरूरत है क्या? अगर जरूरत नहीं है तो मत उनको उनको टीम के साथ भेजिएगा। सिर्फ वो जो जिनकी जरूरत है, मतलब एकदम अर्जेंट, उन्हीं को लेके जाइएगा। हाँ, मुझे पता है कि अब बीसीसीआई के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो 50-100 की भी स्क्वाड भेज सकते हैं, बिल्कुल। पर 50-100 की जो स्क्वाड होगी वो क्या टीम को मदद कर रही है? क्या उसमें टीम का कुछ फायदा हो रहा है? आप एक मेंटल कंडीशनिंग कोच ले गए, मेंटल कंडीशनिंग कोच, और मतलब आप कितने कोच ले जाएंगे?
डायटिशियन मानता हूं, डायटिशियन होना जरूरी है क्योंकि आज आपको फिटनेस रखना है, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, फिजिकल ट्रेनर की जरूरत है, मैं ये सब मानता हूं। पर ये भी देखना होगा कि अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो उसका टीम को फायदा होना जरूरी है। अगर उसका टीम को कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो कोई नहीं। और ये मैचअप वगैरह जो हम देखते हैं वो स्टैट्स वाले सब ले आते हैं, मैचअप ही इनको बोलिंग करे उनको बोलिंग करे। अर्शदीप, आप जानते हैं अर्शदीप सिंह इतनी अच्छी स्विंग करते हैं, हाँ उनकी पहले ओवर में रन गए थोड़े से, पर एक किसी को भी रन जा सकते हैं। मैचअप में आप अक्षर पटेल को ले आए, अक्षर पटेल क्योंकि अक्षर पटेल ने जॉस बटलर को तकलीफ दी, ऐसा कुछ मैचअप था, तो फिर क्या हुआ, मार पड़ी ना, क्योंकि सिर्फ दो ही फील्डर अगर बाहर होते हैं स्पिनर के लिए तो उसको बॉलिंग करना मुश्किल बनता है। तो ये सारी जो चीजें हुई है तो इसको हमें देखना है, प्लेयर पर उंगली उठाना ही नहीं है, उठाने के लिए मैं समझता हूँ जो देखिए जिस तरह से हमें वो करना था। अभी हम सिलेक्शन की भी बात करें, आप सिर्फ दो ओपनर लेके गए ऑस्ट्रेलिया में जहां पे आप जानते हैं कि पिच में उछाल होता है, सिर्फ राहुल और रोहित शर्मा और कोई ओपनर नहीं, मगर मतलब कोई अगर फेल होता तो कौन जगह लेता उनकी। हाँ आप ये सोच सकते थे कि हम ऋषभ पंत को ऊपर भेजेंगे या दीपक हुडा को, पर वैसे नहीं चलता, तीन स्पिनर ले गए जहां पे दो फिंगर स्पिनर, क्योंकि फिंगर स्पिनर बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, रिस्ट स्पिनर सक्सेसफुल होते, आपने वो भी नहीं किया, वो आप तीन स्पिनर लेके गए। तो ये सारी जो चीज है उसको हमें देखना होगा कि हम ये जो किया सही किया या नहीं किया। सही बात है, मतलब क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। 2007 का वो वर्ल्ड कप, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड, सौरव गांगुली, खिलाड़ी कोई भी छोटा नहीं है, पर टीम क्या बनकर निकली वहां पर 50-50 में, उस पर सवाल उठे थे। और इसीलिए खिलाड़ियों पर सवाल तो बिल्कुल नहीं उठ रहे, उस कॉम्बिनेशन पर, उस सोच पर, उस रणनीति पर। और हाँ, जिस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नहीं परफॉर्म किया उस पर तो सवाल उठेंगे, क्योंकि आंकड़े के हिसाब से ही परफॉर्मेंस होना चाहिए, हर जगह परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जैसी चीजें होती हैं, तो क्रिकेट में क्यों नहीं, क्रिकेट में तो होता ही है। मदन जी, अब मैं आना चाहती हूं इस मुद्दे पर कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट जो होता है वो किसका प्रेरोगेटिव होना चाहिए, वो कोई सोचकर खिलाड़ी को बता रहा है या खिलाड़ी सोचकर बता रहा है बोर्ड को, कैसे होगा ये कि ये ऑप्टिमम हो और न तो इतने बदलते हुए कप्तान हमें दिखे और खिलाड़ी जहां जरूरी हो वहां पर इस्तेमाल भी हो जाए। देखिए वर्क लोड जो मैनेजमेंट है, मैं समझता हूं कि कौन डिसाइड करता है, ये भी कोच या आपका कैप्टन डिसाइड करता है। क्योंकि देखिए एक बात और है कि जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो वर्कलोड कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, आपको आपकी बेस्ट टीम जो है वही सेलेक्ट होती है और जाती है। वर्कलोड का क्या मतलब, यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो आपको ये सब चीजों को आपको पता होना चाहिए कि मेरी फिटनेस लेवल कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अगर वर्कलोड जैसे होता है जो कंटिन्यू खेल रहा है उसको अगर ब्रेक दे दिया जाए तो वो बेटर है। बट जब आप इतनी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं देन ये वर्ड जो है ना बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। और दूसरा सर, हम तो इस टूर्नामेंट के लिए टारगेट करेंगे ना अपने खिलाड़ियों को कि मुझे इसको बचा के इनको तैयार रखना है। तैयार कैसे करोगे जब तक आप खेलोगे नहीं। और दूसरी, सनी भाई ने काफी एक दो बातें जो उठाई है, ये जो ड्रेसिंग रूम में टू मेनी कुक और क्या होता है कि हमारे टाइम पे हमारा कौन होता था पूछने वाला, हम टीममेट से पूछते थे। अभी भी मैं मानता हूं कि जितने भी खिलाड़ियों को कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो प्लेयरों से ही जाके पूछते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है यहां पे, क्योंकि मैच जब हम मैच देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कौन बैठा है, कहते जी ये स्पोर्ट्स स्टाफ बैठा हुआ है और कोई थ्रो डाउन जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, ये तो कोई मेरे समझ से तो बाहर है। और कीर्ति जान ने जो टेक्नोलॉजी की बात, टेक्नोलॉजी हेल्प्स अगर आप टू मच टेक्नोलॉजी इज बैड, बट वो हेल्प्स करती है आपको, बट आप कितना प्लान एग्जीक्यूट करते हो वो देखने वाली बात है। जब आपको एक प्लान दिया जाता है कि आपने ये एग्जीक्यूट करना है तो फिर वो प्लान होना चाहिए, तभी टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी, और वैसे तो नहीं कर सकती ना।
कि टेक्नोलॉजी देख ली और पेपर नीचे डाल दिया, ये ऐसे नहीं हो सकती। तो ये जो जो चीजें हैं ये थोड़ा सा रूम में बैठ के टेक्नोलॉजी से देख लूंगा कि सामने वाली खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, पर मैं ऑप्शनल प्रैक्टिस ऑप्ट करूंगा। और लालचंद राजपूत जी, यही चीज मैं आपसे समझना चाहती हूं, कहा गया कि बड़ा टूर्नामेंट है तो ऑप्शनल प्रैक्टिस होगी, ठीक है, लाजमी है, आपको इंजरी मैनेजमेंट भी करना होता है, कई दफा दिक्कतें आ सकती हैं, पर अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है या कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें जरूरत है, वो खिलाड़ी तय करेगा कि मैं जाऊं कि स्किप करूं प्रैक्टिस, या फिर जो टीम मैनेजमेंट है वो कहेगी कि तुम्हें विकेट नहीं मिल पा रहे हैं, जाके जरा प्रैक्टिस करो, तुम्हारी फील्डिंग जरा बुरी है, क्योंकि टीम की फील्डिंग भी बड़ी बुरी लग रही थी इस बार, ये कौन तय करेगा? आवाज गया। लालचंद जी, सुन पा रहे हैं आप हमको? या श्वेता जी, मैं पूछ रही हूं ऑप्शनल प्रैक्टिस का जो ये नया चक्कर है, मेरी आवाज आ रही है जी, ये हमेशा से रहा है या फिर जो खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, आपकी टीम अगर फील्डिंग में धीमी दिख रही है तो फील्डिंग प्रैक्टिस तो कम से कम करवा दो। सी श्वेता जी, यस, ये ऑप्शनल प्रैक्टिस जब से निकला, जबकि कोई प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलता है, यू नो, तो वर्कलोड मैनेजमेंट पहले भी बात किया गया, क्योंकि आजकल इतना क्रिकेट हो गया है और स्पेशली फास्ट बॉलर्स के ऊपर काफी लोड होता है, तो मैनेज करना उनको बहुत जरूरी होती है। जब बड़े, जैसे बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के लिए हमारे प्लेयर, जैसे मदन लाल ने भी कहा कि फिट होना बहुत जरूरी है, उसमें कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू बी फिट फॉर दैट बिग टूर्नामेंट। आई बात आपकी ना ऑप्शनल प्रैक्टिस की, देखो जब कोई प्लेयर फॉर्म में होता है, ही वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट, सो डेफिनेटली कैप्टन और यू नो फिजियो कहता है कि नहीं, इस प्लेयर को थोड़ा रेस्ट देना है, तो देन दे गिव द रेस्ट, स्पेशली फॉर फास्ट बॉलर्स, जबकि ज्यादा बोलिंग हो जाता है, वर्कलोड होता है तो उसको रेस्ट। लेकिन T20 में चार ओवर डालने हैं मुझे लगता है ना, तो इसमें ज्यादा करके आपका एग्जर्शन नहीं होता है यू नो बॉलर्स के लिए। लेकिन ये T20 फॉर्मेट ऐसा है कि आप ग्राउंड पे इतना एग्जर्ट करते हैं जितना 50 ओवर में भी नहीं कर पाते, तो इसीलिए आपको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। और यहां पे देखा आपने कि वर्ल्ड कप में ट्रैवलिंग भी होती है, आप मैच खेलो, ट्रैवलिंग करो, फिर नेक्स्ट डे मैच, तो इसीलिए आपको प्लेयर को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए प्रैक्टिस ऑप्शनल देते हैं कि जो परफॉर्म किया है दे कैन टेक रेस्ट, बट जिसने नहीं किया है उसको आना है, और उसको कंपलसरी करते हैं, जो खेला नहीं है उसको करते हैं, जिसने फील्डिंग अच्छी नहीं की है उसको भी आके थोड़ा फील्डिंग करके जा सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ऑप्शनल प्रैक्टिस में कोई नहीं आता है, जो प्लेयर लोग को थोड़ा स्किल वर्क पे करना है, जिसको सपोज आज बोलिंग मेरा ठीक नहीं गिरा, तो ही कैन कम एंड डू सम टारगेट बोलिंग और स्पॉट बोलिंग, और फिर यू नो ही कैन टेक रेस्ट। तो ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं आना है, ऑप्शनल प्रैक्टिस मतलब जो प्लेयर को अगर आपको कुछ स्किल लेवल पे वर्क करना है, ही कैन कम एंड वर्क। नहीं, लेकिन दिखा यही इस बार कीर्ति जी कि जो खिलाड़ी थे, आप कम से कम जाते हैं, आप उस विकेट को, आप उस स्टेडियम का एहसास लेते हैं, आप थोड़ा फील लेते हैं कि ठीक है मैच डे पर विकेट अलग होगी, लेकिन आप पहले से, आप कुछ थ्रो डाउन होंगे, आपके हाथ में गेंद लगेगी, आपको एक एहसास तो होगा उसका। अब मैं ये समझना चाहती हूं आपसे कि इस समय अब आगे क्या करना चाहिए, क्या केवल ये चर्चा और ये सब कुछ खत्म और फिर सब भूल जाए, फिर अगले टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाए, क्या किसी बदलाव की गुंजाइश है? देखिए, फिर टूर्नामेंट चालू हो जाएंगे, अभी न्यूजीलैंड जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे, फिर कोई सीरीज होगी, फिर आईपीएल आ जाएगा, तो सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी वर्कलोड की बात हो रही थी, जो आईपीएल का वर्कलोड ले सकता है वो कोई भी वर्कलोड ले सकता है, 10 टीमें खेलती हैं, दो बार मैच खेलना होता है, 18 मैच आपको खेलने होते हैं। जैसे वर्ल्ड कप में अभी लालचंद बता रहे थे कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, वैसे ही आपने आज मैच खेला, अगले दिन सुबह ट्रैवल किया, गए आपने खेला आईपीएल का मैच खेला, फिर उसके बाद आप अगले दिन चले गए। तो आपने, हमने देखा है कि बहुत सारी विदेशी टीमों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ऐसी टीमों के प्लेयर इंडिया में आईपीएल खेलने नहीं आए, क्योंकि वर्ल्ड कप का कोई ना कोई, चाहे T20 या वनडे इंटरनेशनल,
मैचेस थे, इसको लेकर वो नहीं खेलने आए क्योंकि अपने प्लेयर को वो प्रिजर्व करना चाहते थे। वो हमारे यहां नहीं हो पा रहा है। हमारे यहां जो हमारे फ्रेंचाइजीज हैं वो बड़े डिमांडिंग हैं, और हमारे जैसे जसप्रीत बुमराह है वो हर एक मैच खेलता है। मेरे ख्याल से मैंने उसको कोई आईपीएल का मैच ऐसा नहीं देखा जो उसने कोई रेस्ट भी लिया हो। गलती से अगर ले लिया हो तो ले लिया हो, नहीं तो मैंने कभी नहीं देखा। हमारे फास्ट बॉलर चाहे शमी हो या भुवी हो, किसी ने कोई रेस्ट नहीं लिया है। 18 मैचेस खेलते हैं और वो हर एक दूसरे तीसरे दिन मैचेस चलते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी ये आवश्यक है कि सबको अच्छे से पूरे तरीके से देखना चाहिए। अभी सनी भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि इतने ज्यादा लोग टीम के अंदर रहते हैं कि समझ नहीं पाते कि मैं विक्रम राठौर से बात करूं या मैं राहुल से बात करूं। दोनों के अलग विचार, खेलने का तरीका अलग। ऐसी परिस्थिति में उसको थोड़ा कम करना चाहिए, वो प्रेशर जाना चाहिए। साथ में जो ये ऑप्शनल की बात है उसपे कुछ लोग मंजूर भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। मेरा ये कहना है आप ऑप्शनल भी करें लेकिन ग्राउंड पे जरूर जाना चाहिए। कम से कम टीम एक साथ रहती है तो उसमें आपकी बातचीत वार्तालाप भी चलती है। कोई किसी गलती दिखी तो आपस में आप एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। एक टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात की थी, मैंने ये नहीं कहा था कि टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर रहो। जितना दिमाग काम करता है उतना टेक्नोलॉजी काम नहीं करता, लेकिन आपको दूसरी टीम की क्या कमजोरियां हैं या उसकी क्या मजबूती है यह उस टेक्नोलॉजी से हम पता कर सकते हैं। वो तो हमें वैसे ही हम स्टार स्पोर्ट्स में देखते रहते हैं तो हमको पता रहता है कि किस कौन सा कहां कमजोर है, कौन कहां पे मजबूत है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी हमारे मदद के लिए, लेकिन करना तो हमको है अल्टीमेटली। तो इन सभी चीजों के ऊपर विशेष रूप से विश्लेषण करना पड़ेगा। अब ये मैचेस फिर आ जाएंगे, हम सब कुछ भूल जाएंगे। सनी भाई, कुछ चेंजेस की आवश्यकता है और क्या ये चेंजेस जो हैं वो ड्रास्टिक होने हैं या फिर छोटी छोटी चीजों को फिक्स करने की जरूरत है? देखिए, चेंजेस तो होगी। जब आप वर्ल्ड कप में आप जीत नहीं सकते तो चेंजेस तो जरूर होगी, और हमने वो देखा ही है कि जो न्यूजीलैंड के लिए टीम जा रही है T20 के लिए, वहां पे चेंजेस हुए हैं। हमें ये भी बताया गया है कि कुछ ये वर्कलोड की जो बातें चलती है, अभी कीर्ति ने बिल्कुल कहा, मदन ने बिल्कुल सही कहा कि वर्कलोड होता है तो सिर्फ भारत के लिए खेलने के लिए वर्कलोड कहाँ पे होता है। आप आईपीएल खेलते, पूरा सीजन आईपीएल खेलते हैं, वहां पे भी आप ट्रैवलिंग करते हैं और हर दो दिन के, सिर्फ पिछला आईपीएल चार सेंटर्स में हुआ था, मुंबई में हुआ था, बाकी सब जगह आप इधर ना उधर दौड़ते रहते, तो वहां पे आपको थकान नहीं होती, वहां पे आपका वर्कलोड नहीं होता। सिर्फ जब भारत के लिए खेलना होता है और वो भी जब आप कहीं ऐसे नॉन ग्लैमरस कंट्रीज में जाते हैं तो फिर आपका वर्कलोड बनता है। तो ये बात गलत है। ये मुझे लगता है कि ये वर्कलोड और फिटनेस, ये दोनों साथ में नहीं आप कह सकते कि हमारी टीम सबसे बेहतरीन फिट है। हम ऐसी फिट कहीं हमने टीम देखी नहीं। अगर आप फिट है तो वर्कलोड का सवाल कहाँ होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़े से हम मराठी में कहते हैं ना कि थोड़ा ज्यादा लाड़ कर रहे हैं, वो जरा लाड़ थोड़ा कम करे। मैं वही कहूंगा, अगर लाड़ थोड़ा कम करे और प्लेयरों को बताए कि देखिए हम आपको टीम में ले रहे हैं, हम आपको काफी रिटेनर फी भी दे रहे हैं, और अगर वो रिटेनर फी आपको, अगर रिटेनर फी क्या मुझे खेलना नहीं है ऐसा, मतलब वर्कलोड की वजह से हम खेल नहीं रहे, तो फिर रिटेनर फी भी निकालिए। ये भी होना चाहिए जहां पे आप द मोमेंट आप ये करेंगे कि रिटेनर फी, अगर हाँ आप ये मैच मत के लिए आपकी रिटेनर फी निकल जाएगी। आप देखिए बहुत सारे लोग ये वर्कलोड भूलकर सब खेलने आएंगे। आईपीएल शुरू होने के पहले वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट की कुछ प्लेयरों की एक बॉडी है, संगठना है, फीका, उन्होंने यही कहा था वर्कलोड। जब आईपीएल आया और उसके बाद में ये सारे प्लेयर जो वर्कलोड की बात कर रहे थे सब आईपीएल खेलने के लिए वर्कलोड भूल गए। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि चेंजेस तो होंगे और होने भी चाहिए। अब वो कौन होंगे वो सिलेक्शन कमेटी करेगी। पर मुझे लगता है कि एक तरह से आपको प्लेयर को एक संदेशा भेजना है कि आप दोनों नहीं कर सकते। आपको रिटेनर भी नहीं, पूरा रिटेनर भी नहीं मिल सकता, और आप उसके साथ आप
मतलब ये अच्छा हो सकता है और इसे ट्राई करके जरूर देखा जा सकता है। मदन जी वही छोटे में मैं समझना चाहती हूँ आपसे, आपने कहा एक कमिटी बना दी जाए, पर अगर बदलाव आप कर पाते आप क्या चेंजेस इस समय करते? देखिए चेंजेस देखिए देखना पड़ता है, ये पहले तो 2020 जो क्रिकेट है यंग मैन गेम्स है, इसमें थोड़ा से आपको एवरेज एज घटाते थोड़ी सी और यंगस्टर्स लेके आने चाहिए। दूसरा ये है कि देखिए अगर इंडिया ने अच्छा करना है 2020 क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में, आई थिंक दे हैव टू मेक श्योर दैट दे हैव ए 10 फास्ट बॉलर विच वी हैव, बिकॉज बड़ा जरूरी है। अगर विराट कोहली का जब कैप्टनसी देखिए, उसने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे फास्ट बॉलर होंगे, उसके बाद हमने जीतना शुरू किया, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा पूल बनाया, हाँ पूल बनाया जाए। और उसमें क्या होगा कि क्योंकि शुरू में विकेट मिलना बड़ा जरूरी है आपको, और अब आपके पास पेस बॉलर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सही बात। दूसरा मैं एक क्या कहना चाहूंगा, आपके आप जो हमारे बल्लेबाज है उनको जो फियर है हिटिंग द बॉल वो बिल्कुल 2020 में हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा क्या जो कोच है या मैनेजमेंट क्या उनको कॉन्फिडेंस दे सकती है, क्योंकि अगर आपके पास फेयर है हिटिंग द बॉल तो फिर बड़ा मुश्किल है आपके। आप देखिए इंग्लैंड का जो स्ट्राइक रेट देखिए, 49 बॉल में 89 बना रन बनाए उसने, 40 एलेक्स हेले 40 रन में कितने बनाए हैं मेरे ख्याल 80 ऑड रन। तो ये फियर ऑफ जो हिटिंग द बॉल है ना, ये भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये हमारे में इनसिक्योरिटी सम आई डोंट नो व्हाई। लालचंद राजपूत जी, क्या आपके हिसाब से चेंजेस चाहिए इस समय? देखिए जब वर्ल्ड कप हारते हैं तो चेंजेस का जरूर होना चाहिए, लेकिन क्या चेंजेस होंगे ये तो बहुत मुश्किल है। अभी तो न्यूजीलैंड के लिए तो टीम अनाउंस पहले ही कर दी वर्ल्ड कप के पहले, हारने के पहले ही। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि जैसे कि अभी 2 साल के बाद फिर T20 वर्ल्ड कप है, आपको अभी से प्रिपेयर करना है कि हमें कौन से प्लेयर लेना है, कौन से प्लेयर टारगेट करना है, और उनके ऊपर आपको वर्क करना जरूरी होगा। तो जो बड़ी चीज है लालचंद राजपूत जी का ये कहना कि आप समय से पहले से आप तैयारी शुरू कीजिए। जो सनी भाई हमें कह रहे हैं कि एक तो कोचेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं, क्या सपोर्ट स्टाफ को आप थोड़ा ट्रिम कर सकते हैं, और आपके जो इंसेंटिव हो उसमें आप कितने मैचेस खेल रहे हैं वो सारी वर्कलोड मैनेजमेंट उस हिसाब से हो जाता है। कीर्ति आजाद जी, मदन जी, सुनील गावस्कर जी और लालचंद राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपने हिसाब से, खिलाड़ी कोच हर हिसाब से टीम इंडिया की किस्मत को कई बार बदल कर दिखाया है अपने हाथों के दम पर। अब उम्मीद पूरा देश कर रहा है कि क्या इस समय भी ऐसा होगा। लंबा इंतजार जब हो जाता है किसी बड़ी कामयाबी का तो सवाल ऐसे ही उठते हैं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए आज तक।